दंतेवाड़ा में किसान संगठन के चलाए गए भारत बंद के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद रही। बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीबीआई ने बंद के समर्थन में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और किसान संगठन की तमाम मांगों को जल्द पूरा कराने और सरकार के द्वारा कृषि कानून को रद्द कराने की मांग की। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के पास में जी आप देख रहे होंगे पीछे हमारे बहुत अधिक संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा है। सीपीआई के ये सभी कार्यकर्ता हैं और आज भारत बंद का जो है आह्वान किया गया था, इनकी कुछ मांगे हैं। जानते हैं किन मांगों को लेकर के भारत बंद का जो है आह्वान किया था, क्या कुछ कारण थी, किन कारणों की वजह से आज भारत बंद किया गया है? जी, आज का हम लोग का जो भारत बंद है, ये आज का आंदोलन है। किसानों का लंबे अरसे से एक लड़ाई चल रहा है, किसानों के प्रति जो केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि काले कानून बनाया है उसके विरोध में किसान लोग लंबे अरसे से लड़े लड़ रहे हैं। उसी के समर्थन में श्रमिक संगठनों द्वारा और सभी संगठनों के द्वारा सीपीआई के माध्यम से हम लोगों ने आज यहाँ पर शासन को अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर हम लोग तादाद में आए हैं। और हमारा मांग है कि जो किसान के साथ जो हित के रूप में कार्रवाई कर रहा है, जो जिस तरीके का जो एक कानून बनाया है, किसानों के लिए बहुत बड़ा गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है और मजदूरों के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाली है। और यहाँ पर जो आदिवासी विकास का विरोध नहीं करते हैं, उन आदिवासियों के सहमति के बिना आदिवासियों को एक अत्याचार और शोषण के रूप में आदिवासियों के साथ अपमान करके जो भी कर रहे हैं यहाँ पर सरकार जो है गलत कदम उठा रही है। एक बड़ी बात जो है यहाँ पे उठ करके आई है और भैया के द्वारा कहा भी गया है कि आदिवासी विकास का विरोध नहीं करते हैं। कुछ मजदूर संगठन के और लोग हमारे साथ में जुड़े हैं आज के इस अवकाश का, क्योंकि एनएमडीसी की गाड़ियां भी दिख रही हैं, एनएमडीसी की यूनिफॉर्म को जैकेट को पहने कुछ लोग भी हैं। जानते हैं किस प्रकार का लोगों का विरोध है। जी बताएं, आज जो भारत बंद बुलाया गया है एकेएस के द्वारा, अखिल भारतीय किसान संगठन के द्वारा, उसका जितने भी श्रमिक संगठन है हिंदुस्तान के, वो उसका समर्थन करते हैं। और श्रमिकों ने की जो अपनी मांग है वो मांगों को लेके जिस तरह किसान और मजदूर दोनों के कृषि कानूनों के खिलाफ और जो लेबर कोड संख्या बल के आधार पर पारित किए गए हैं और जो काले कानून जो बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में मजदूरों के खिलाफ, उनका विरोध करने के लिए श्रमिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से इतनी भीड़ लगी हुई, और बारिश के समय में भी लोगों ने छतरी ओढ़ करके यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया है। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज, दंतेवाड़ा।